नमस्कार। तो हम डिस्कस कर रहे थे नायब सूबेदार का पेपर। नायब सूबेदार का पेपर जो 2018 में कंडक्ट किया गया था उसको हम डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि नायब सूबेदार और तहसील वेलफेयर ऑफिसर का पेपर जो था वो पहले एक साथ कंडक्ट किया जाता था। तो इसमें हमने पार्ट वन तो डिस्कस कर लिया था। पार्ट वन में हमने क्या डिस्कस किया था, HPG की हमने डिस्कस की थी। अगर पार्ट वन अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा, तो वहाँ पर आपको उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। आप पार्ट वन भी देख सकते हैं और पार्ट टू जो है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट टू डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा डाउट था उसको क्लियर कर लेते हैं। तो पार्ट टू में क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें था डोडरा क्वार और सांगला के बीच कौन सी झील स्थित है। तो गलती से मैंने इसका आंसर गलत बता दिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रांडोसर। तो ब्रांडोसर झील जो है वो डोडरा क्वार और सांगला के बीच में स्थित है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था वैसे, ये अनफॉर्चुनेटली गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन को अभी आप करेक्ट कर लें। आई होप कि अब आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा होगा, क्लियरिटी हो गई होगी, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पर भी आपको इसका सही आंसर बता दिया था। तो टेलीग्राम भी आप हमारा ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर वन है। यहाँ पर पॉलिटी का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 सीट फॉर द वुमेन आर रिजर्व्ड इन पंचायत अंडर विच आर्टिकल। तो ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसमें क्या कहा गया है कि 1/3 सीट्स जो हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, यहाँ पर देखिएगा, चार ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बिल्कुल एग्जैक्टली वो है ऑप्शन डी, आर्टिकल 243D। ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टू की, तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन सी बॉडीज जो हैं वो इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ऑप्शन जो आपके पास है वो है ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या संसद के सभी सदस्य जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा कहा गया है कि ऑल द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ऑप्शन सी जो है उसमें कहा जाता है कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जितने भी हमारे पास हाउसेज हैं राज्यसभा और लोकसभा, उन दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं हमारे विधानसभा के। तो ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर टू का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेजिडेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर। तो प्रेजिडेंट को जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो कौन से आर्टिकल के तहत इनकी बात की जाती है, तो इनकी बात की जाती है आर्टिकल 53 के तहत। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर थ्री का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, हु गिव फाइनल वेर्डिक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल जो होता है उसकी फाइनल वेर्डिक्ट कौन देता है, ऑब्वियसली ऑप्शन डी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फोर का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विद इन विच टाइम पीरियड एन ऑर्डिनेंस प्रोमिलगेटेड बाई द प्रेजिडेंट बी लेड डाउन बिफोर द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर देयर रीअसेंबल। तो इसको एक बार हिंदी में देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आए। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के कितने समय के अंदर सदन के पटल पर रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 6 सप्ताह, 6 वीक्स के अंदर जो है ये रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, हाउ मेनी रिट्स कैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू अंडर आर्टिकल 32। तो कितने नंबर कितनी रिट्स हैं हमारे पास, 5 रिट्स हमारे पास हैं। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन है, द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो कहाँ से बोरो किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आइडिया है हमने आयरलैंड से बोरो किया है। क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन बी सही आंसर है। फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से बोरो किए हैं ये आप कमेंट करके बता दीजिए, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से बोरो की हैं ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर एट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने के लिए बात करता है, तो ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी एबव सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, आर्टिकल वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज। तो ये इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट डिस्क्राइब करता है। क्वेश्चन नंबर नाइन का ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर टेन जो है वो है, व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा ऑन
31 दिसंबर 2017। 31 दिसंबर 2017 तक लोकसभा की कितनी स्ट्रेंथ थी, तो उस टाइम में क्वेश्चन बनता था ऑप्शन ए 538। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 11। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज पास्ड इन द टाइम ऑफ, पहला फैक्ट्री अधिनियम जो था वो किसके कार्यकाल के दौरान जो था वो पास हुआ था, तो वो हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान पास। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया हु ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी। तो हिंदी में ही इन क्वेश्चंस को देखते हैं, हिस्ट्री हिंदी में अच्छे से समझ आ जाएगी। निम्नलिखित में कौन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी समीक्षा प्रस्तुत नहीं करता है? तो इनमें से अगर आप बात करेंगे तो कौन नहीं करता है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए डी आर भंडारकर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1905 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की जिसमें बंगाल के स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया? 1905 का सेशन जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रिजाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूएसए में गदर पेपर के मुख्यालय को क्या नाम दिया गया? तो उसको नाम दिया गया था युगांतर आश्रम। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, औपनिवेशिक काल में विधान परिषद से प्रथम सदन त्याग वॉकआउट कब आयोजित किया गया था? तो सबसे पहली बार वॉकआउट कब किया गया था ये यहाँ पर पूछा गया है, 1901 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की? तो कर्जन वायली की हत्या किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी मदन लाल डिंगरा के द्वारा। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन 1946 में अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? इनमें से 1946 में जो था वो कौन सा नहीं जब आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रहनुमनाई मध्यान सभा रिप्रेजेंटेड द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म अमंग, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, पारसीज के बारे में था ये। क्वेश्चन नंबर 19 का है कि इनमें से आपको बताना है कौन सा मिसमैच है, नॉट मैच्ड करेक्टली, ठीक है, तो मैच्ड करेक्टली कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो है वो ऑप्शन ए सही है। दादा भाई नौरोजी इंडियन मिरर इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी या ये इससे संबंध नहीं रखते हैं। तो इंडियन मिरर से कौन से संबंध रखता है, कौन संबंध रखता है, तो इंडियन मिरर से संबंध रखते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष, इनके द्वारा ये 1861 में एडिटेड की गई थी इंडियन मिरर, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, फ्रॉम विच आर्ट अभिंद्रनाथ टैगोर डिड नॉट सीक इंस्पिरेशन, तो कहाँ से उनको इंस्पिरेशन नहीं दी गई थी, तो उनको नहीं मिली थी, तो न्यूजीलैंड से उनको इंस्पिरेशन जो था वो नहीं मिली थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु फाउंडेड द वेदांता सोसाइटी ऑफ इन दी वेस्ट, तो वेदांता सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वेदांता सोसाइटी की स्थापना की गई थी विवेकानंद के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, देवबंद प्रोग्राम ऑफ स्टडी वॉज रिड्यूस्ड टू, तो इसका सही आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 22 का वो ऑप्शन बी होगा, 6 ईयर्स इसको रिड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI जिसको कहा जाता है, इसके पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे ए कनिंगम। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन कौन सा ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन डा को एजुकेशन स्कूल इन मोगा, तो मोगा में को एजुकेशन स्कूल किसके द्वारा खोला गया था, तो क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो 24 का ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर आएगा, देव समाज, 24 का डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द फर्स्ट बुक रिटन बाय महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के द्वारा पहली किताब कौन लिखी गई थी, तो महात्मा गांधी ने पहली किताब लिखी थी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म वॉज नॉट कंसिडर्ड असेंशियली बाय गांधी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, तो इनमें से ऐसा कौन सा सोशल रिवोल्यूशन ऐसा था जिसको महात्मा गांधी ने असेंशियल नहीं समझा था सोसाइटी में कुछ ट्रांसफॉर्म लाने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो ऑप्शन बी एवोल्यूशन ऑफ वर्ना समाज जो है वो सही आंसर है, ये इन्होंने उचित नहीं समझा था। क्वेश्चन नंबर 27 है, द डांडी मार्च वॉज स्टार्टेड बाय, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या है, इन विच स्पेशल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस
गांधी प्रेजेंटेड टू अप्रूव इंडिया ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो हिंदी में ही इन क्वेश्चंस को देखते हैं, जल्दी समझ आ जाएंगे। कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने सरकार के विरुद्ध अपने सत्याग्रह के विचार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया था? कांग्रेस का ये कौन सा सेशन था? क्वेश्चन नंबर 28 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर है, कलकत्ता का सेशन था, 1920 में ये सेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, गांधी जी को कब यह अनुभूति हुई कि उसका भारत में संघर्ष बहादुर की अहिंसा पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन है, 1947 में उनको ये रियलाइज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 क्वेश्चन है, गांधी जी के ट्रस्टशिप जिसको न्यायसिता कहा जाता है के सिद्धांत की कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं जब आपसे पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी सही आंसर है, सरकार को व्यक्तियों के जीवन का स्वामी बनाना, ये इनके द्वारा नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी दर निर्धारित नहीं की जाती? क्वेश्चन नंबर 31 का जो है कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन सी सही आंसर है, PLR सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? तो श्वेत क्रांति के जनक माना जाता है वी कुरियन को, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेन डिड द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर द फार्मर्स स्टार्टेड इन इंडिया? तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो थी वो कब स्टार्ट की गई थी फार्मर्स के लिए? ये 1998-1999 में की गई थी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वॉज ब्राउट टू फोर्स बाय द, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था, कहाँ से बोरो किया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी सही आंसर है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशंस 1956 से इसको बोरो किया गया था। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 है, हु रिकमेंड्स द MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड इशू प्राइस, ये किसके द्वारा रिकमेंड किए जाते हैं? देखो इन सभी को जो रिकमेंड किया जाता है वो किया जाता है किसके द्वारा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंडियन इकोनॉमी इज टाइप ऑफ, तो ये इंडियन इकोनॉमी जो है वो मिक्सड इकोनॉमी है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हेन वाज पॉपुलेशन पॉलिसी बी इम्प्लीमेंटेड, तो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में इम्प्लीमेंट की गई थी, परंतु 2000 में कब ये इम्प्लीमेंट की गई थी? तो 2000 में एग्जैक्टली ये की गई थी 15 फरवरी 2000 को, 15 फरवरी 2000 को ये इम्प्लीमेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो PDS का बेसिक जो आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, बेसिक उद्देश्य इसका 38 का ऑप्शन बी, टू एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर पुअर, जो गरीब लोग होते हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना ताकि उन लोगों को फूड मिल सके। क्वेश्चन नंबर 39 है, द सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन इज फोकस्ड ऑन, तो जो द्वितीय हरित क्रांति थी उसके द्वारा इन सभी के ऊपर फोकस किया गया था, 39 का ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज डिस्टिंग्विश्ड एन अनएम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किस में डिस्टिंग्विश्ड है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन ए एग्रीकल्चर में है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वन हॉर्स पावर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू, तो वन हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होती है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हेन अ बार मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली विद अ थ्रेड इट विल ऑलवेज रेस्ट अलोंग, तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो ऑप्शन बी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इसकी होगी, जब इसको फ्रीली रख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉन्स्टिट्यूंट पूछा गया है CNG का, CNG का जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है मीथेन, ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, द शॉर्ट साइटनेस जिसको मायोपिया कहा जाता है, डिफेक्ट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय, अगर किसी को मायोपिया की बीमारी है मतलब शॉर्ट साइटनेस है तो उस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी सही आंसर है, कनकेव लेंस के साथ उसको करेक्ट किया जा सकता है। आगे पूछा गया है कि मिल्क जब खट्टा हो जाता है तो उसके लिए कौन सा एसिड रिस्पॉन्सिबल है, तो लैक्टिक एसिड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे अबंडेंट मेटल जो है वो है एल्यूमिनियम, क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर
विच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज, तो ऐसी एटम जिनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है परंतु मास नंबर जो है वो सेम होता है, उन एटम्स को क्या कहा जाता है? तो उन एटम्स को कहा जाता है ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है, आइसोबार्स उन एटम्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज द मेजर काउज ऑफ रेस्पिरेटरी का डिजीज, तो इनमें से ऐसी कौन सी पॉल्यूशन की जो ऑक्साइड्स हमारे पास दिए गए हैं जो रेस्पिरेटरी सांस लेने से संबंधित बीमारियाँ होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इनमें से सस्पेंडेड फाइन पार्टिकल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी एक सेल में? क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, बैट्स सर्च देयर प्रे एट एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शन ऑफ, जो चमगादड़ होती है वो रात को अपना भोजन भी ढूंढ लेती है और फ्लाई भी रात को इजीली करती है, तो ये कौन सी वेव्स के कारण होता है? ये होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, त्रिशूल पीक लाइज इन द स्टेट, तो त्रिशूल पीक उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? जब नहीं आपसे पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, बाकी मानस हो गया, नोकरेक हो गया, पंचमढ़ी हो गया, ये सभी जो है वो बायोस्फीयर है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो है रामसर कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन, तो ये रामसर कन्वेंशन कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी ईरान में, क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 54, कारेवाज सॉइल इज फाउंड इन स्टेट, तो कारेवाज सॉइल जो है वो कहाँ पर मिलती है? ये जम्मू कश्मीर में मिलती है, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेसीडियस ट्री, इनमें से कौन सा डेसीडियस ट्री नहीं है? ऑप्शन बी गुरजान जो है वो डेसीडियस ट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जो है वो लोहित नदी बहती है, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल सेपरेट करता है? तो 10 डिग्री चैनल, क्वेश्चन नंबर 57 का सी सही आंसर है, ये सेपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी सही आंसर है, रिहंद डैम जो है वो केन में नहीं है, इस रिवर के ऊपर ये नहीं बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर इज एट, तो ये एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बैंकॉक में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, हाउ मच इंडियाज कोस्ट लाइन इज वनरेबल टू डिजास्टर, तो ऐसा इंडिया का कितना किलोमीटर कोस्ट लाइन ऐसा है जो डिजास्टर के लिए कमज़ोर है, वनरेबल है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन डी 5700 किलोमीटर जो है इतना एरिया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ये क्वेश्चन कल हमने एचपीजी में डिस्कस नहीं किया था, तो नूरपुर के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने चंबा का जो टेरिटरी है वहाँ पर तारागढ़ किला बनवाया था? तारागढ़ किला बनवाया गया था चंबा के एक एरिया में जगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज द नेम ऑफ योगी हु गाइडेड राजा साहिल वर्मन और प्रिंसली चंबा प्रिंसली स्टेट रिगार्डिंग द साइट ऑफ न्यू कैपिटल, तो ऐसे कौन से योगी थे जिन्होंने चंबा के राजा साहिल वर्मन को गाइड किया था कि आप अपनी नई राजधानी यहाँ पर बनाइए, डिस्ट्रिक्ट चंबा में जाकर आप चंबा शहर जो है वहाँ पर आप अपनी राजधानी बना दीजिए, तो चरपट नाथ उनका नाम था, ऑप्शन सी सही आंसर है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा 63 आता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, वो पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए उस पार्ट को देख लीजिए। So that's all for today. Thank you for watching the video.